हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दगड़ियों, आज एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैंने आज का ब्लॉग फिर से स्टार्ट कर दिया है। चूल्हे में दूध रखा है और वहाँ पर गैस में चाय रखी है। तो यहाँ मम्मी ने गैस में चाय रख रखी है फिर बनाने के लिए, और बाकी पापा भी यहाँ किचन में बैठ रखे हैं। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। और अम्मा भी बैठ रखी है। गुड मॉर्निंग। तो हमारे घर के सभी सदस्य उड़ गए हैं फिर दगड़ियों, बाकी वैशाली अंदर कमरे में। तो चलिए फिर आज को लोग मैं भी स्टार्ट कर ही देता हूँ। तो ओहो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग। पहला, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दगड़ियों, एक नई दिन की नई शुरुआत के साथ मैंने आज को लोग भी स्टार्ट कर ही दिया। ये बाकी पापा ने पी ली। पीली पापा। हाँ, तो पापा ने पी ली तो मम्मी और अम्मा पी रही है अभी। तो दगड़ियो, आज हमारे घर में खास मेहमान आने वाले हैं और उसमें एक नए मेहमान भी आने वाले हैं। आपको शाम को दिखाएंगे उनको। अब हाँ, तो नहीं बता सकते हैं। और हम अभी से बहुत खुश हो रहे हैं उनको देखने के लिए। अभी टिस्ट है। तो मम्मी बोल रही ना आज हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं, तो अभी वो दिन में 12 बजे तक पहुंच जाएंगे हमारे वहाँ। तो मेहमान कौन है दगड़ी, अभी बाद में बताऊंगा मैं आपको। एक तो मेरे को स्कूल भी जाना है ना, तो स्कूल से आने के बाद ही मिलाऊंगा मैं उन सभी लोगों से। और दगड़ी, उनमें से एक मेहमान ऐसे है ना जो आज फर्स्ट टाइम हमारे घर में आएंगे और हमारे गाँव को देखेंगे आज। तो आज दगड़ी फिर से कराता हूँ मैं आपको अपने गाँव के डना गोलजू के दर्शन। तो जय हो डना गोलजू। और बाकी अभी सुबह का मौसम देखिए दगड़िया, आप यहाँ का व्यू देखिए कितना प्यारा दिखाई दे रहा है ना। आसमान भी पूरा नीला हो रखा है, आसमान साफ हो रखा है। और बाकी अभी ऊपर चोटी में देखिए हल्की फुल्की धूप भी आई गई है। मैं आका मुद्री हूँ। विशाल ने स्कूल जाना है और इन्होंने ड्यूटी जाना है। बाकी हमारे पुट्टी के कट्ठे भी आ गए हैं, तो आज से हमारा पुट्टी लगने का काम फिर से चालू हो जाएगा। तो ये है वैशाली। ये अभी उठ रही, देखो मतलब बैठ रही थी तब से। गुड मॉर्निंग। मैं जा रहा हूँ वो। मन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, मैं उठ रही हूँ तो अभी उठ गए होंगे अभी। तो रगड़ियों, मैं हो चुका हूँ स्कूल के लिए रेडी। बाकी अभी हमारा नाश्ता चल रहा है, मैंने नाश्ता कर लिया है। मम्मी खा रही है अभी खाना, और बाकी वैशाली भी खा रही है, बाकी और सभी लोगों ने खा लिया है। गुप्पो भी खा रहा है आज हमारे घर में, तो सुबह का नाश्ता गुप्पो का भी हमारे वही है। बाकी कम्मा ने अपने घर खा लिया था, नहीं तो हम कम्मा से ही बोल रहे थे, वो नहीं खा रही, उसका पेट भरा है। और आज हमारा दगड़ियों जंगला भी टूट रहे, तो अभी ताऊजी तोड़ रहे हैं फिलहाल। तो ईंटों का जंगला था हमारा पहले, सिंगल ईंट का है, तो अब ताऊजी तोड़ रहे हैं। अब घर आने तक ने जंगला पूरा यहाँ से साफ हो जाएगा। और पापा भी फिलहाल काम को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फिर पापा भी जाएंगे अभी ड्यूटी को थोड़ी देर में। तो दगड़िया, अभी सुबह का थोड़ा बहुत अपडेट तो फिर कुछ इतना था ये। तो अब मैं बाकी का आगे का व्लॉग में स्कूल से आने के बाद शूट करूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो दगड़िया, स्कूल से मैं आ चुका हूँ, और स्कूल से आते ही कपड़े वपड़े बदल कर मैंने खाना वाना भी खा ही लिया है। और बाकी आप देख सकते हो, सुबह मैंने आपको अपने घर का जंगला दिखाई दिया था ना, तो वो अभी जंगला यहाँ से गायब हो चुका है, तोड़ दिया यहाँ ताऊ जी ने। और फिलहाल यहाँ अभी वेल्डिंग वाले भैया भी आ रखे हैं, तो यहाँ जंगले बना रहे दगड़ियों। और बाकी पुट्टी लगने का काम भी ऊपर चल ही रहा है, तो हमारा कार्य प्रगति में है। तो पुट्टी वाले भैया भी यहाँ देखो आ गए, ये तो पुट्टी लगा रहे। बाकी वेल्डिंग वाले चचा आ रखे मेरे, दो भैया बोल रहा हूँ सॉरी, तो मेरे दोनों के दोनों चचा है, हमारे रिश्तेदार है। तो एक बार दोबारा कह दीने पर चचा पहला हो, और चाचा तुम गला पहला को। चाचा शर्मा नहीं आ रहे हो यार, मैं तुम्हारे को पहला कह रहा हूँ चाचा। तो यहाँ देखे दगड़ियों, हमारे गांव की महिलाएं आज गाजो ला रही है। किसका ला रहे हो? सूरज लोगों का। अच्छा, तो सूरज दादी औरों का, मतलब इनका ये दगड़ियों जिनका ये पख वाला मकान है ना, तो उनका गाजो आ रहा है आज ये। यहाँ पापा भी हेल्परी में लगे हैं, फिर पापा भी शायद आ गए थे ड्यूटी से जल्दी आज। तो कैसा लग रहा है पापा हेल्परी करके आपको यहाँ? हेल्परी करके थकान हो रही है। अच्छा, भुम, 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 भुम। नमस्ते नमस्ते बोलो, नमस्ते 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 बोल, ना 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 नमस्ते बोल दे।
ना ना आज मना कर रही है। ओए नमस्ते बोल ना नवलान है और ये है दक्षु का छोटा भाई नमस्ते ये नहीं बोलेगा ये तो नहीं बोलता है नमस्ते बोल दे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाकी अभी फिलहाल दगड़ियो यहाँ गोप्पा अपनी जो इनकी बुक्का हो रखे ना तो उनको दूध पिला रहा है उनकी माओ से है गोप्पा और बाकी कमुआ भी है फिर ये भी है मेरे ब्लॉग की आन बान शान दगड़ियो मेरे गांव के जितने भी बच्चे हैं ना मेरे गोप्पा है ना मेरे ब्लॉग आन बान शान घूमी अली यो देखो वो बिन गयो गाँव पे दबे बैठ बना मेरी गाड़ी कौन है मेरे लोग जैसे बोल रहा हूँ देखो कर दे इल्ला इल्ला कर दे इल्ला कर इल्ला आपको इल्ला ये कहीं पजाई कर हो पजाई कर आपको आप दूर हो बैठ बना मेरी गाड़ी माँ घूमी अली हिट म्यारा दागाड़ा नाम कर माजने का ने और बाकी मम्मी आज जूठे बर्तन ला गई है माजने के लिए हेलो माँ तो अब वो घड़ी आ चुकी है दगड़ियों तो अब मैं आपको मिलाता हूँ अपने मेहमानों से तो पहले मिलाता हूँ दगड़ियों माँ आपको अपनी बुआ से तो बुआ एक बार तुम्हारे का दोबारा पहला कह दूँ मैं पहला और ये मेरी बुआ है दगड़ियों तो हाल ही में दगड़ियों एक मेरी पहली बुआ आई थी ना एक दो महीने पहले तो उस ब्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि मेरी तीन बुआएं करके तो जो पहले बुआ आई थी वो सबसे छोटी बुआ थी और जो आज ये वाली बुआ आई है ये मेरी बीच वाली बुआ है और एक और बुआ है वो सबसे बड़ी है वो अभी फिलहाल दिल्ली में ही है और तो आज मेरी बीच वाली बुआ आ रही है फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है बुआ हमारे घर में और दगड़ियों बुआ के बड़े वाले बेटी भी आ रही है फिर तो हेलो भैया हेलो और फिर से आपको मैं पहला बोल रहा हूँ पहला और कुछ बात मैं ठीक हूँ यार सब बढ़िया चलो बढ़िया हो गया फिर तो बुआ के बड़े बेटी भी आ रखे हैं और बुआ का छोटा बेटा भी आ रखा है तो उसे ही मिलाता हूँ मैं तो ये है दगड़िया छोटा बेटा बुआ का हेलो भाई हेलो हेलो तो शर्मा आ रहा है शायद ना और तो इनका नाम भी बता देता हूँ मैं ये छोटे भाई का नाम है रितेश और बड़े भैया का नाम है रविंदर घर में इनको रवि बोलते हैं और ये भाई को गोलू बोलते हैं ना गोलू नाम हाँ तो रितेश स्कूल वाले भाई गोलू घर वाले भाई पधारिए 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 आइए 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 तो एक बार आपको भी मैं पहले पहलाक बोल देता हूँ फिर दोबारा से पहलाक हो तो ये है दगड़ियो भाभी जी हमारी यानी कि रवि भैया की वाइफ आज दगड़ियो भाभी जी हमारे गांव में फर्स्ट टाइम आ रही है शादी के बाद तो हेलो तो भैया और मतलब भैया की शादी को ना एक डेढ़ साल ही हुआ है तो शादी के बाद आज भैया ना भाभी को फर्स्ट टाइम गांव लेकर आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गांव में। हाँ तो कैसा लगा फिर आपको हमारे गाँव में आके? बहुत अच्छा है यहाँ पे मेरा मन करता यही रहे अच्छा लग रहा है चलो ठीक है और बाकी मम्मी यहाँ लकड़ियाँ लेकर आ चुकी है आये हाय हाय तो बुआ तुम्हारे मन लाग गौन है बढ़िया रहो अब मैथ आए फिर ठीक लागू मैथ में किसको बुरा लगता है ना मतलब फिर लेने पूछण जरूरी भाप नहीं अब आए तुम हमारे मेहमान भी आप पूछण भाई कस लागनो नहीं चलो ठीक है रहो पे और बाकी आपको भी बढ़िया लग रहा होगा भैया फर्स्ट क्लास और तुमको बढ़िया फर्स्ट क्लास पहले ला चाय गिलास हाँ हाँ जरूर अभी बनाते तुम्हारे लिए चाय यहाँ हमारे दगड़ियों दो जंगले बन के रेडी हो चुके हैं तो आज का काम इतना ही था फिर ये तो आज अभी का काम फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं हम और अभी तक ना घोड़ाट घोड़ाट ना बहुत चल रही दगड़ियों तो मैं वो बीच में ज़्यादा ब्लॉग शूट ना कर तो अभी फिलहाल यहाँ काम खत्म हो चुका है भैया कल को आएंगे और चाचा लोग भी कल को आएंगे काम करने के लिए तो अभी फिलहाल वहाँ नीचे हाथ मुँह धो रहे हैं तो अभी उनका भी टी टाइम हो गया फिर अभी ऊपर आएंगे वो चाय वाय पियेंगे बस फिर जाते हैं वो भी अपने घर की ओर तो अभी फिलहाल दगड़ियों यहाँ भैया और भाभी यहाँ हमारे तिमंजले वाले छत में टहलने के लिए आ रखे हैं साथ ही गोलू भाई भी आ रखा है तो यहाँ से आप बताइए कि ना पीछे का यहाँ मतलब नज़ारा कैसा लग रहा है आपको काफी सुंदर नजारा है यहाँ का सुंदर नजारा है और आपको कैसा लग रहा है आप तो पहली बार आए हो मेरा तो मन कर रहा है इनको देखते रहो अच्छा देखते रहो मैं फ्री की चीज ले लो ये मैं के टवन ना लगन फ्री ऑफ कॉस्ट हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ये तो मेरे डांस के स्टेप बता रहा दगड़िया मैं ऐसा करता हूँ करके इसी छत में वैसे मैं ज्यादा अपनी डांस की वीडियोस बनाता हूँ तो मेरी नकल उतार रहा है देखो बैठ बना मेरी भैया को भी कराना है
भैया आपको भी आता है क्या मेरा स्टेप जो मैं करता हूँ जो मैं करता हूँ स्टेप आपको भी आता होगा? नहीं आता है क्या? अच्छा तो गड़ियो ना मैं आपको आप भैया के बारे में बताना चाहूंगा कि भैया मतलब जॉब क्या करते करके ना, तो भैया हमारे सीए है यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट। तो अब बात करें गड़ियो गोलू भाई की ना, तो हेलो सर कैसे हैं आप? बढ़िया। चलो बढ़िया। तो गोलू भाई गड़ियो मेरे से 2 साल बड़ा है और भाई ने 12th पास आउट पिछले साल ही किया। 1 साल हो गया ना? हाँ तो 1 साल हो गया। तो तब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना कि ना छोटा भाई भी आ रखा करके, तो ये रवि भैया का छोटा भाई है लेकिन मेरा बड़ा भाई है, मेरे से 2 साल बड़ा है। और बाकी आज हम तकरीबन गोलू भाई और मैं ना 5 साल बाद ना, हाँ तो 5 साल बाद मिल रहे थे दगड़ियो आज हम दोनों। और इससे पहले ना हम बचपन में काफी लड़ाई करते थे, तो हमारे दिनों ने दगड़ियो आपस में बढ़ी ने एक दूसरा दकार। तो आप जरा बढ़ने पे आलियो ब्लॉग का खातिर अंगाव हाल पे इसी को अंगाव हाल दे पे एल ब्लॉग में फैल दे मैं तो नंचिकान ने बढ़ी लेकिन अब बढ़ने धीरे धीरे कर पेर क्योंकि अब मैच्योरिटी आएगी ना अपने अंदर और ये भी समझदार हो गया, मैं भी समझदार हो गया थोड़ा बहुत उतना तो नहीं ना। तो चलो ये भी अच्छा है कि अब हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन बचपन में ऐसा होता था ना जब भी ये हमारे घर आता था ना तो आते ही दगड़ियों हमारी लड़ाई हो जाती थी, मतलब एक दूसरे की ना हमारी मतलब बनती नहीं थी एक दूसरे के साथ, तो ऐसा कुछ था। और बाकी रवि भैया के साथ तो बनती थी क्योंकि रवि भैया हमारे एक ऐसे शख्स है जो कुछ नहीं बोलते हैं कुछ भी नहीं बोलते हैं दगड़ियों। आप देख सकते हो अभी मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ लेकिन भैया ना मतलब जब चलते रह रहे हैं अपनी धुन में है भैया। हाँ तो मेरे पापा भी वैसे ज्यादा नहीं बोलते हैं लेकिन बोलते हैं ना फिर अड़कशी कर देते हैं तो ऐसे ही भैया भी है, भैया भी कुछ नहीं बोलते हैं और ये अड़कशी कभी नहीं करते हैं इनका अड़कशी सवाल ही नहीं बनता है। तो भैया ओ भैया आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, क्या बोले? मतलब कुछ भी बोल देते हैं, बोल दो यार आप तो बातचीत साथ के बैठे हो यार बातचीत भी नहीं करते रहे आप तो। यो तगड़ियो आगी हम तली होय आओ भाई काम धाम निपटा भेर आगी हो क्या कर रहे हैं शाम? अरे बहुत तो मस्त काम कर रहा है पहनने अच्छा को ये देखो विशाली को। तो अभी तगड़ियो मामा और भांजे दोनों साथ में बैठ रखे हैं और आप कुछ नोटिस कर रहे थे घड़ी अभी देखो पापा और वैसे भैया दोनों सेम सेम नहीं दिखाई देते क्या? हल्के फुल्के देखो दोनों का फेस कट देखो और हेल्थ देखो दोनों की सेम लग रही है ना। ओए होए तो भाभी जी आज सब्जी काट रही है हमारी। वाह वाह क्या बात है बुधकार भाभी जी हमारी तो उसको शौक हो रही है। अच्छा तो मम्मी और भाभी जी की यहाँ गपशप भी चल रही है फिर ये तो मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? अरे चलो फिर मैं बाहर चलो फिर मैं बाहर को जाता हूँ फिर। और बाकी ना मतलब ये बताने आया था सब्जी किस चीज की बन रही है करके, तो सब्जी किसकी चीज की बन रही बता दो। आलू और गोभी की। हाँ तो आलू गोभी हाँ हरी वाली गोभी आलू गोभी की सब्जी। ये ब्रोकली है। अच्छा ब्रोकली ब्रोकली बोलते हैं ब्रोकली शायद। अच्छा पहाड़ में गोभी भमते हो? गोभी हाँ तो भाभी ने बता दिया फिर इसको ब्रोकली बोलते करके और बाकी आलू भी काट के रख रखे वहाँ। और आज देखो देखो बार बार ना दरवाजा खोलना ना पड़े करके तो हमने चौक से अटका रखा है तो मम्मी ने आटा भी गूंथ दिया दगड़ियो और मम्मी का तो आटा गूंदने का काम चल रहा है यहाँ और भाभी जी का यहाँ सब्जी बनाने का काम चल रहा है तो भाभी जी सब्जी बना रही है। भाभी जी आते ही आज काम में लग गई। हाँ भाभी जी आते ही काम में लग गई तो मम्मी का भी काफी सहारा हो गया है। मम्मी तो बोलो भल लागे नहीं ना आज जरा काम मतलब कम है को फिर तले। हाँ तो अब यही रहना अब यहाँ से मत जाना ठीक है कुछ महीने तक। हाँ ना मम्मी का भी सहारा बन रहे हो आप तो काफी अच्छा लग रहा है। आप आते ही यहाँ मतलब काम कर रहे हो ना जरा ए दिन हमन कला खातिरदारी कर देना अपनी फिर कर लेना बुद्धि लेकिन आते ही करनी तो बहुत भल लागना होगा। तो भाभी दगड़ियो हमारे काफी बढ़िया छू अभी मैं आटा गूंद रही हूँ और विशाल ने स्कूल जाना है इन्होंने ड्यूटी जानी जाना है जानी